हमेशा गुस्से में रहता है, शायद तभी मैं ऐसा हूँ। उनके रहते और कोई जीत नहीं सकता मामू, जा। अरे इस बुक में तो दो ही पेज है। अब मेरा टाइम है खेलने का। क्या कर रहे हो भाई, तुसी लड़के हो रहे हो? दादाजी छोटा मैंने गेम खेलने दे रहा। ओके दा, और तो मेरा से सबसे पहले मैंने खेलना शुरू किया था। बस बस तुसी बहस ना करो, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। केड़े कहानी दादाजी? ये बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दी कहानी। ओ भी तुहाडे वांगू छोटी उम्र दे सी, और उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ प्यार था। पर असी ता छोटे आ, तो उनसे तुलना कैसे करे? मतलब ये नहीं कि तुसी उनसे तुलना कर रहे हो, बल्कि तुसी सीख रहे हो कि छोटे होने के बावजूद अपनी समझ और सहानुभूति बना के रखनी चाहिए। ता फिर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की कहानी है दादाजी, उन्होंने की किता सी? जब कभी अधर्म ने अपनी कुंजी पकड़ी, वहां आवाज उठी सिखों की एक नए स्वर में। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादा सिख इतिहास में अद्वितीय वीरता के प्रतीक है। उनका जन्म धार्मिक और सैन्य कल्याण की परंपरा से हुआ था, और उनका जीवन मुगल काल में कठिन समयों से भरा हुआ। आनंदपुर साहब छोड़ते समय सरसा नदी पार करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार उनसे बिछड़ गया। माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी और बड़े साहबजादों साहबजादा अजीत सिंह और साहबजादा जुझार सिंह से अलग हो गए। सरसा नदी पार करते ही गुरु जी पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया, और चमकौर के युद्ध में गुरु जी के दो बड़े साहबजादों ने शहादतें प्राप्त की। माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को गिरफ्तार करके ठंडे बुर्ज पर कैद कर दिया गया, और छोटे साहबजादों को वजीर खान की सभा में पेश किया गया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सुबाए सरहंद दा दरबार है, एथे कोई किसी गुरु दी फतेह नहीं बुला सकदा। माफी मंगो और सर चुका लो। अब्बा उस परमात्मा दे अग्गे सर चुकांदे आ जो आत्मा दे रूप च हर बंदे दे अंदर वसदा है। ऐ काफिरां दी बोली है बच्चियो, तुसी साडे नाल रहो, आपां थोड़ी सारी जरूरतां पूरी करांगे। मेरा वादा है तुहानू राजकुमारां वर्गी जिंदगी और ठाट बाट मिलूगी, नहीं तो मारे जाओगे। साडे धर्म ने सानू मरना पहले सिखाया है, सानू मौत दे डरावे ना दो। जेकर जिंदा रह गए ते अपने गुरु पिता दी तरह जुल्म दे खिलाफ लड़दे रवांगे। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ियास, हो सबना की रेनुका, तो आओ हमारे पास। सप दे बच्चे सप। जुबान नू लगाम दे वजीर खान, ए तेरी सभा है, नहीं तो 100 गुरु पिता दी हुन तक तेरा सर तड़ तो अलग हो जांदा। काजी साहब फतवा जारी करो, इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दो। आपदा के मुंह में माता गुजरी जी की अद्वितीय साहस ने एक मां की भूमिका में नई परिभाषा दी। उनकी शक्ति और संजीवनी भाषा ने हर आपदा को एक नई राह दिखाई। मेरे बच्चो तुहानू डर ता नहीं लग रहा? दादी मां असी खुश हां, असी तुहाडी उम्मीदां ते खड़े उतरे। दादी मां असी खुश हां कि असी गुरु पिता ते दादा जी दी शान नू बरकरार रखिया। वीर जी पावे तुसी मेरे तो पहला आए हो, पर दादा जी दे कोल सब तो पहला मैं जावांगा। मैनू तुहाडे ते फक्र है। आखिर में
दोनों छोटे साहबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें जिंदा देवात में चिनवा दिया गया। पर शायद परिस्थितियों को ये भी मंजूर नहीं था और दीवार टूट पड़ी। आखिर में वजीर खान के आदेशों के तहत छोटे साहबजादों का सर कलम कर दिया गया। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अद्भुत साहस दृढ़ता की कहानी आज भी हमें प्रेरित कर रही है। छोटे साहबजादों का ये बलिदान सिख इतिहास में एक गहना बना है, जो सहनशीलता, साहस और अपने धर्म के प्रति अड़िग समर्पण को प्रदर्शित करता है। छोटे साहबजादों का ये बलिदान पूज्य है, जो भारत के इतिहास में सहानुभूति, साहस और अपने धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमारे दिल में सच्चे सिद्धांत हैं और हम उनके प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे उच्च आदर्शों को परिलक्षित नहीं कर सकती। छोटे साहबजादों का बलिदान हमें दिखाता है कि जीवन के हर क्षण धर्म, नैतिकता और सच्चाई के मूल्यों का पालन करना हमें अद्भुतता का सामर्थ्य प्रदान करता है। उनकी शिक्षाओं से सीखकर हम सभी को एक सजीव उदाहरण बनने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकें। सुख श्री अकाल।